हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडवर्ब्स। तो बच्चों, हमने अभी एडजेक्टिव करे थे, इससे पहले हम वर्ब भी कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आज हम करेंगे एडवर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों? जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज करते हैं, जो वर्ड, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। क्लियर? तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या है एडवर्ब की? क्रिया विशेषण। तो ये भी क्या है? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हमने पढ़ा था, 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से हमने नाउन कर लिया है बच्चों, प्रोनाउन कर लिया है, वर्ब कर लिया है, एडजेक्टिव कर लिया है। आज हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवर्ब्स। क्लियर? क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज। तो यहाँ पे आप सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि वर्ब भी हम पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव भी हम पढ़ चुके हैं। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अगर किसी सेंटेंस में दो एडवर्ब हैं, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाइज करता है, मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब। राइट? कि अगर कभी किसी सेंटेंस में दो एडवर्ब होते हैं, तो कैसे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है, उसके मीनिंग को। सेकंड किसको मॉडिफाइज करता है? वर्ब को। और सबको पता है वर्ब क्या होता है, हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी, डिटेल में पढ़ा है कि कोई भी आप एक्शन करते हैं, दैट इज योर वर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसको मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को। क्लियर? तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। क्लियर? नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों? गर्ल रन्स क्विकली, कि लड़की क्या करती है? तेजी से दौड़ती है। तो ये क्या है बच्चों? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है कि गर्ल रन्स क्विकली। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? क्या है बच्चों? ये वर्ब है। अब लड़की दौड़ती है, ये सिंपल सा है, क्विकली इसमें ऐड हो गया, तो लड़की क्या है? तेजी से, क्विकली दौड़ती है। तो किसके बारे में बता रहा है? कि दौड़ती है, कि कैसे दौड़ती है? तेजी से, क्विकली। स्लोली होगा तो भी हम किसके लिए, किसके बारे में बता रहे हैं? वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि धीरे से, क्विकली मीन्स तेजी से। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? क्विकली रन्स की। तो इट मीन्स क्विकली क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब। क्यों हो गया? क्योंकि इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, और वर्ब क्या है यहाँ पे बच्चों? रन्स। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा बच्चों? मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वर्ब के मीनिंग को और मॉडिफाइज करता है। तो इन दिस सेंटेंस हमारा वर्ब क्या है बच्चों? रन्स। रन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? क्विकली। इट मीन्स क्विकली आपका क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर? इज इट क्लियर? कि यहाँ पे क्या है? वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन? क्विकली, तेजी से, क्योंकि रन यहाँ पे ये नहीं बता रहा है, नाउन के बारे में नहीं बता रहा है, गर्ल नाउन के बारे में कौन बता रहा है? वर्ब बता रहा है, और वर्ब के बारे को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है? क्विकली। तो वर्ब नाउन को और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम मैंगोज। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? दिस इज अ वेरी स्वीट। अब स्वीट क्या है? अब मैंगो क्या है बच्चों? आपका नाउन है। अब मैंगो को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है आपका? स्वीट। स्वीट, अब स्वीट एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी, बहुत ज्यादा। आम क्या है? यह है आम, बहुत मीठा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज योर एडजेक्टिव, राइट? तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। राइट? अगर मैं बोलूंगी दिस इज अ स्वीट मैंगो, कि ये मीठा फल है,
तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब नहीं है क्योंकि मैं सीधा सीधा बोलूंगी दिस इज अ स्वीट मैंगो, एडजेक्टिव है, नाउन है। बट अगर मैं बोलूंगी वेरी स्वीट, या अगर मैं कोई और वर्ड यूज करूंगी डिलीशियस है या स्वीट है, वेरी स्वीट, राइट, तो स्वीट को क्या बता रहा है, वेरी इसको मॉडिफाई कर रहा है, इट मींस वेरी क्या हो गया आपका एडवर्ब, वेरी क्या हो गया बच्चों एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वो हमने यहाँ पे कर लिया, और दूसरा किसको मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, कैसे करता है, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा है दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, तो स्वीट अगर सिंपल होगा दिस इज अ स्वीट मैंगो, तो कोई यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, अगर मैं बोलूंगी दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, इट मीन्स वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके मीनिंग को जो है और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है स्वीट, और स्वीट यहाँ पे क्या है बच्चों एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है मैंगो की, कि मैंगो क्या है स्वीट है, मीठा है, बहुत मीठा है, इट मीन्स वेरी इज योर एडवर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाई करता है, आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस पिक्चर, क्लियर या फ्रॉम दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पीटर रीड्स क्वाइट, अब यहाँ पे क्या है बच्चों पीटर रीड्स, अब रीड क्या है, इट इज योर वर्ब, क्या है वर्ब, क्वाइट, तो क्वाइट क्या है आपका वर्ब, अब इसको और मॉडिफाई कौन कर रहा है क्लियरली, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है, अनदर एडवर्ब, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट इज द डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या है बच्चों दो एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है मॉडिफाइज कर रहा है, क्लियर, और ये वाला एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है रीड्स, दिस इज योर वर्ब, अब यहाँ पे दो हैं तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है या ये इसको मॉडिफाई कर रहा है और उसके मीनिंग को क्लियरिफाई कर रहा है या मॉडिफाइज कर रहा है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे हमने तीन सेंटेंसेस पढ़े जहाँ पे एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, दूसरे में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, और इन द थर्ड सेंटेंस इट मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज कर रहे हैं उसके मीनिंग को, इज इट क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एडवर्ब, जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी सेम है, एंड इट्स टाइप, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, सेम है वर्ब को एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंस। Adverbs can be used to show manner. Adverbs हमें क्या बताते हैं manner, how something happens, degree, to what extent, place, where. ये हम एक एक करके करेंगे अभी, and time, when. Example, adverbs in a sentence. अब Ali walked quickly. तो simple सा है, verb को modify कर रहा है कि Ali क्या करता है walked quickly. तो आपका verb क्या है बच्चों walked. Action क्या है आपका walked. अब वॉक्ड को कौन मॉडिफाई कर रहा है क्विकली, विच वर्ड दैट इज योर क्विकली, इट मींस क्विकली क्या हो गया आपका एडवर्ब। सिमिलरली ही वॉक स्लोली या राम वॉक स्लोली, सीता वॉक स्लोली, इट मींस कि वो धीरे चलती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस और ये किस में है प्रेजेंट टेंस में, दिस इज इन पास्ट इंडेफिनिट और ये किस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, कि वो दौड़ा कैसे तेजी से दौड़ा और ये क्या है वह चलता है धीरे धीरे, राइट, तो यहाँ पे क्या है इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है क्विकली वॉक, बोथ आर क्या है हमारे वर्ब है स्लोली, क्लियर। अब इन द नेक्स्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं एडवर्ब, इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही इज वेरी गुड, अब यहाँ पे ही के लिए कौन मॉडिफाई कर रहा है गुड, तो गुड क्या है आपका एडजेक्टिव, ही इज वेरी सॉरी यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहे हैं वेरी, कौन कर रहे हैं वेरी, तो इट मीन्स वेरी क्या है आपका एडवर्ब, क्या है आपका एडवर्ब। सिमिलरली शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल क्या है लड़की के लिए बोल रहे कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से कौन सा वर्ड यूज हुआ है पहले
एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली क्या है आपका एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट है आई राइट वेरी केयरफुली, यहां पे एक एडवर्ब है और दूसरा एडवर्ब क्या है हमारा केयरफुली, तो वेरी क्या है आई राइट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्या है द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट क्या है आपका वर्ब है और वर्ब से पहले क्या है आपका वेरी है, तो वेरी क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो ऑल दीज वर्ड्स क्विकली स्लोली वेरी एक्सट्रीमली वेरी और वेरी अगेन, ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब्स। क्यों है एडवर्ब्स, क्योंकि ये वर्ब को भी हमारे क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाइज कर रहे हैं मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव को भी कर रहे हैं मॉडिफाइज और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाइज कर रहे हैं। और हमारी डेफिनेशन क्या है बच्चों, सेम है डेफिनेशन कि किसके मीनिंग को जो है ये और मॉडिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब के, एडजेक्टिव के और एनदर एडवर्ब। तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा और यहाँ पे जो वर्ड्स हमने हाईलाइट करे हैं ये वाले वर्ड्स को, कौन से वर्ड्स जो हमारे मॉडिफाई कर रहे हैं, दे आर क्विकली स्लोली वेरी एक्सट्रीमली वेरी एंड वेरी, तो ये सारे वर्ड्स क्या है आपके एडवर्ब है। क्लियर, हाउ आर एडवर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंसेस, एडवर्ब्स प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट इन अ सेंटेंस बाय डिस्क्राइबिंग, जैसे अभी मैंने बताया हाउ व्हेन वेयर टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग अकर्स, एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई। तो ये आप याद करें कि वर्ब को और एंड इवन अदर एडवर्ब्स। लुक एट दिस एग्जांपल, सोनिया डांस्ड क्विकली, अब सोनिया क्या कैसे करती है डांस, स्लोली धीरे धीरे उसने डांस किया, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस डेफिनेट है। जेफ इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है कि जेफ के बारे में हम बता रहे हैं कि जेफ क्या है बहुत ज्यादा क्या है टैलेंटेड है, तो टैलेंटेड से पहले क्या हमारा एक्सट्रीमली, तो विच वर्ड इज योर एडवर्ब एक्सट्रीमली, क्योंकि एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ क्वाइट रिसेंटली, तो क्वाइट क्या है आपका वर्ब और इसको मॉडिफाई कर रहे हैं एक और वर्ड रिसेंटली, तो दिस इज योर अ वर्ब मॉडिफाइज एंड अदर एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। क्लियर, तो हमने देखा एग्जांपल में फर्स्ट वन में वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, दूसरे में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं और थर्ड में किसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को। क्लियर, तो ये हमारी डेफिनेशन भी है कि किस किस को मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वर्ब एडजेक्टिव एंड इवन अदर एडवर्ब्स, वर्ब एडजेक्टिव और यहां पे दूसरा क्या है ये अदर वर्ब एडवर्ब, राइट। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब को मॉडिफाई कर। अब यहां पे देखें बच्चों, रीड्स केयरफुली, walk slowly, sleeps quietly, sings beautifully, तो ये सारे क्या है हमारे एडवर्ब्स हैं। suddenly, hurriedly, generously, kindly, powerful, gladly, all these words are your adverbs। तो अभी अगर कोई भी डाउट है तो आप किसी भी समय जो है किसी भी लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, अपने नोट करते रहें, जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क, क्योंकि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और तभी आप जो है एडवर्ब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज योर एडवर्ब एडजेक्टिव एंड वर्ब। क्लियर, तो यहाँ पे क्लियर है कि वर्ब क्या होते हैं हमारे, कोई एक्शन होते हैं। क्लियर, नाउन को अगर कोई क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर, एडवर्ब के भी डेफिनेशन बताई जो किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को भी करते हैं, एडजेक्टिव्स को भी करते हैं और अदर वर्ब एडवर्ब्स को भी करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में दो हमारे एडवर्ब होते हैं तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करता है मॉडिफाई करता है। क्लियर,
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब हम डिफरेंट टाइप्स के एडवर्ब पढ़ेंगे। एक होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी की जो है क्वालिटी के बारे में पता चलता है। कोई एडवर्ब जो है मैनर एंड क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज। प्लेस, टाइम, क्वांटिटी एंड रेंज, नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, अगर नेगेटिव है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि ये जो है क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, अगर ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अगर टाइम के बारे में बता रहे हैं यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउ, देन, इट मींस इट इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी अगर हम बोल रहे हैं एंटायरली, पार्शियली, एक्सट्रीमली, बियरली, डीपली, एब्सोल्यूटली, तो ऑल दीज वर्ड्स किस में आते हैं आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज। एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, रियरली। दूसरा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, जब हम बोलते हैं सर्टेनली, श्योरली, नॉट, तो क्या होते हैं ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। इंट्रोगेटिव में हम बोलते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और रिलेटिव एडवर्ब्स भी यही होते हैं, बट कहाँ पे कैसे यूज करते हैं लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर, तो ऑल दीज वर्ड्स आर गिवन हियर, तो इनको ध्यान रखें, अगर आपको ये ध्यान में रहेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द एडवर्ब इन अ सेंटेंस। क्लियर, तो इसको नोट डाउन करें और इसको लर्न करें। राइट, तो ये है हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। क्लियर, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट वन इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। एडवर्ब दैट आर यूज टू शो हाउ और इन व्हाट मैनर, हाउ और इन व्हाट मैनर एन इवेंट टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल यहां पे क्या है, दे फॉट, और फॉट क्या है, लड़े, फाइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दे फॉट ब्रेवली, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। तो अब यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों आपका, फॉट। अब फॉट को कौन मॉडिफाई कर रहे हैं कि कैसे लड़े, बहादुरी से, तो बहादुरी दैट वर्ड इज योर क्या है आपका एडवर्ब। क्यों है, बिकॉज इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब। क्लियर, तो दे फॉट ब्रेवली, पहले ये वाला एग्जाम्पल देखें आप, यहाँ पे क्या है, शी इज क्विक, शी वॉक्स वे, शी वॉक्स अवे क्विकली। अब यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं आप बच्चों, शी इज क्विक तो क्या है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ नाउन के बारे में वो बता रहा है कि शी इज क्विक, बट अगर मैं बोलूं शी वॉक्स अवे क्विकली तो क्या बन गया ये आपका एडवर्ब बन गया, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब के बारे में क्या बता रहा है कि वो चलती कैसे है, तेजी से। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि शी इज क्विक, कि वो तेज है, तो यहाँ पे नाउन के को मॉडिफाई कर रहे हैं, और नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं या मॉडिफाइज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। तो डिफरेंस देखें आप कंफ्यूज ना हो, अगर क्विकली होगा, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, शी वॉक्स अवे क्विकली, राइट, तो हमने यहाँ पे क्या मॉडिफाई किया है कि वो जो चलते हैं यहाँ से जो है वॉक्स अवे कैसे, तेजी से यहाँ से चले गए, चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक को मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा वर्ड, क्विकली, बट यहाँ पे क्विक वर्ड मॉडिफाई कर रहा है हमें प्रोनाउन को, शी को, या नाउन अगर आम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करके हम क्विक है, अगर यहाँ पे सिर्फ, या राम इज क्विक, या सीता इज क्विक प्रॉपर नाउन है या प्रोनाउन है, या यहाँ पे सीता है, राइट, रीना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करेंगे उनको बोलेंगे एडजेक्टिव। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी वॉक्स अवे क्विकली, तो यहाँ पे शी को, शी वॉक्स, वॉक्स किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, शी को, बट वॉक को कौन मॉडिफाई कर रहे हैं, क्विकली।
क्लियर। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब में कंफ्यूज नहीं करेंगे सारे बच्चे, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दे फॉट ब्रेवली। अभी मैंने इसको समझाया था आपको। शी डैमेज्ड हर कार बैडली। अब यहां क्या बोला है बच्चों, शी डैमेज्ड। अब डैमेज क्या होता है, खराब करना, कि उसने अपनी कार को क्या करा, डैमेज करी है बैडली, क्लियर। तो बैडली क्या है आपका, एडवर्ब। शी स्लीप्स साउंडली। अब यहां पे वर्ब को देखें आप, वर्ब क्या है, साउंडली। दिस आर्टिकल इज रिटन क्या है, ब्यूटीफुली। फॉर एग्जाम्पल्स आर, और फर्दर जो एग्जाम्पल्स हैं, पीसफुली, क्विकली, सर्टेनली, लाउडली, वेल, केयरफुली, ग्लैडली, सो, दस, बैडली, ऑल दीज वर्ड्स आर क्या है आपके, क्या बताते हैं हमें, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, क्लियर। एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो अ प्लेस। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। इज रिटन ब्यूटीफुली। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, शो, टू शो प्लेस वेयर एन एक्शन टू प्लेस। अब कोई भी एक्शन है, कोई भी वर्ब है, कहीं पे आपने किया है, हेयर हो गया, देयर होगा, समवेयर हो गया, नो वेयर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इन, अप, तो ऑल दीज वर्ड्स क्या है हमारे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भगवान कहाँ पे प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, इज। एवरीवेयर किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को। एंड वर्ब इज योर इज। यू मे कम फॉरवर्ड। कम क्या है आपका, वर्ब है। फॉरवर्ड क्या है आपका, एडवर्ब है। द एयरक्राफ्ट लैंडेड नियर द बैनियन ट्री। नियर क्या है, हमें प्लेस के बारे में बता रहा है। फॉरवर्ड मीन्स आगे जाना, वो भी हमें किसके बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। एवरीवेयर भी हमें किसके बारे में बता रहा है, जगह के बारे में बता रहा है कि गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इन सारे वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। और किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इज, कम, लैंडेड, ही वॉज सिटिंग हियर, हियर कहां बैठे थे, हियर यहां। तो ये क्या बता रहे हैं आपको, जगह के बारे में बता रहे हैं, पास है, दूर है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करना है, तो पहले आप वर्ब को देखेंगे और वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करा है, और उससे आपको पता चल रहा है कि प्लेस के बारे में पता चल रहा है, जगह के बारे में पता चल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्लियर। तो इज एवरीवेयर, कम, फॉरवर्ड, लैंडेड, नियर, सिटिंग, हियर। तो ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखें, इनसाइड, आउटसाइड, क्लियर। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सच एडवर्ब्स विच आर यूज टू रिफ्लेक्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम टूमोरो। अब यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, कम, कि मैं कल आऊंगा। तो वॉट इज टूमोरो, समय बता रहे हैं कि भाई मैं कल आऊंगा। तो इट मीन्स टूमोरो क्या है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, टाइम को। मोहन अराइव लेट, कि मोहन क्या है, लेट आया। तो वर्ब क्या है आपका, अराइव्ड, और लेट क्या हो गया आपका, एडवर्ब, क्योंकि टाइम बता रहा है हमें। ही सॉ मी यस्टरडे, उसने मुझे कब देखा, यस्टरडे, कल। आई वेंट देयर अर्ली, कि मैं वहां गया जल्दी। तो ये टुमारो, लेट, यस्टरडे, अर्ली, ऑल दीज वर्ड्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, टाइम, क्या बता रहे हमें, समय बता रहे, भाई कल आएगा, देर से आया, जल्दी आया, राइट। और प्लेस ने क्या बताया, तुम कहाँ गए, आगे गए, पीछे गए, पास, दूर, एवरीवेयर, राइट। तो डिफरेंस देखें कि अगर समय बताएगा तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, तो टुमारो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। अगर मैं बोलूंगी फॉरवर्ड, तो इट मीन्स इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर मैं बोलूंगी बैडली, स्लोली, ब्रेवली,
तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी। तो डिफरेंस देखें कि वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? कम टुमारो, अराइव्ड लेट, सॉ यस्टरडे, वेंट अर्ली, सिमिलरली फॉट ब्रेवली, डैमेज्ड बैडली, स्लीप्स साउंडली, रिटर्न ब्यूटिफुली। क्लियर? तो कम टुमारो, अराइव लेट, ये क्या हमारे सारे वर्ब हैं और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है हमारा क्या, एडवर्ब। और डिफरेंट टाइप्स के जो एडवर्ब हमने पढ़े हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वर्ड्स हमें क्या बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं, वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, दैट इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। दोज एडवर्ब्स या दोज वर्ड्स विच आर यूज टू रिफ्लेक्ट टाइम आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। और जो वर्ड शो करते हैं, यूज टू शो हाउ और व्हाट मैनर एन इवेंट टेक्स प्लेस, दैट इज योर एडवर्ब्स ऑफ मैनर और क्वालिटी। राइट? तो अगर आप देखेंगे बैडली क्या है आपका, मैनर बता रहे हैं। राइट? फार और नियर क्या बता रहे हैं आपको, प्लेस जगह के बारे में बता रहे हैं। राइट? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे भी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जगह की बात कर रहे हैं। राइट? तो ये क्या है आपके, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, एडवर्ब्स, गर्ल्स रन्स क्विकली, यहाँ पे क्या है वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, कौन सा वर्ड, क्विकली, तो ये क्या है आपका, एडवर्ब। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, वेरी, इट मीन्स ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। यहाँ पे क्या है एक एडवर्ब, ये दिस इज योर वर्ब, वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट, और क्वाइट को कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्लियरली, इट मीन्स यहाँ पे क्या है दो एडवर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा है बच्चों कि एडवर्ब की डेफिनेशन, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा डेफिनेशन क्या है, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन कि हम कौन से वर्ड्स होते हैं दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े थे कि कैसे कैसे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, या दो हमारे एडवर्ब हैं किस तरह से उसको मॉडिफाई करें। आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स ये थे, टाइप्स ऑफ मैनर्स क्या, कैसा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो कैसे आप जो है एग्जाम कोई भी सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह भी हमने पढ़ा, कौन से वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि टाइम के बारे में बता रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम में, या कौन से वर्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, या कौन से वर्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर है या क्वालिटी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमने यहाँ पे दिखाई है जिससे आपको पता चलेगा कि अगर सेंटेंस में एंग्रीली, राइट, ब्रेवली, बिजीली, कि बहुत ज्यादा बिजीली हैं, राइट, कॉशियसली या करेजियसली, ग्रिटिली, तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब। क्लियर? नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी की बात करते, ही वॉज टू केयरलेस, क्लियर, शी वॉज वेरी टायर्ड, ही इज क्वाइट रॉन्ग, यू आर पार्टली राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, adverbs that are used to show how much, right, ki he was too careless, ki hame bata rahe ki bhai how much he was careless, yes, she was very tired, ki bahut zyada thaka hai, to kitna thaka hai, ki very tired, he is quite wrong,
कि वो गलत है, कितना है, क्वाइट रॉन्ग, पार्टली राइट, कि यू आर पार्टली राइट, कि आप थोड़ा सा जो है पार्टली राइट है. द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, तो हमें बता रहे हैं क्वांटिटी की कि पूरा जो है ऑलमोस्ट जो है जो मैंगो है क्या है वो पका हुआ है ऑलमोस्ट राइट. तो टू केयरलेस, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, केयरलेस है, टू बहुत ज्यादा है, तो टू इज योर एडवर्ब. वेरी टायर्ड, तो वेरी क्या है आपका क्वांटिटी के लिए बारे में बता रहे हैं, तो इट इज योर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. ही इज क्वाइट रॉन्ग, पार्टली राइट, ऑलमोस्ट राइट. मोर एग्जाम्पल्स आर पार्टली, फुली, प्रिटी, एज, ऑलमोस्ट, वेरी, मोर, मच, क्योंकि इनसे हमें क्या पता चल रहा है, क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है. दैट इज व्हाई इट इज योर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. इनफ, एनी, मोर, टू, रेदर, लिटिल, क्वाइट, होली, परफेक्टली. नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ नंबर. अगर हमें पता चल रहा है कि भाई नंबर के बारे में पता चल रहा है या फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल रहा है, तो एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो हाउ ऑफन एन इवेंट टेक्स प्लेस. इन मैनी सेंटेंसेज वी सी वर्ड्स लाइक वंस. अगर आपको इस टाइप के वर्ड्स है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर टर्म एडवर्ब ऑफ मैनर एंड फ्रीक्वेंसी and explain the number of times a particular action has occurred. For example, I go to the cinema. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई मैं सिनेमा जाता हूँ twice a week. हफ्ते में कितनी बारी जाता हूँ? दो बारी. तो यहाँ पे frequency twice, right? वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि भाई मैं जाता हूँ कितनी बारी जाता हूँ? Twice a week. तो it means twice क्या हो गया आपका? Adverb. क्लियर? क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है और कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे बताया आपको जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी. क्लियर? नेक्स्ट है द पोस्टमैन कॉल्ड वंस. कॉल्ड क्या है आपका? वर्ब है. और वंस, तो वंस क्या हो गया आपका? एडवर्ब. वी ऑलवेज ट्राई टू डू आर बेस्ट. ऑलवेज कि हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं? अपना बेस्ट. वी ऑलवेज ट्राई, तो ट्राई को कौन मॉडिफाई कर रहा है? ऑलवेज. शी सेल्डम, सेल्डम डांसेस. ट्वाइस, थ्राइस, वंस, अगेन, सेल्डम, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, तो ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे? एडवर्ब्स है. तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि कहीं पे भी जैसे यहाँ पे क्या है, ऑलवेज है, यूजुअली है, ऑफन है, राइट, समटाइम्स, तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब्स. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन. इन सम सेंटेंसेस देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और डेनियल. कभी हम यस करते हैं और कभी नो, नेगेटिव आता है. एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. फॉर एग्जांपल, श्योरली वी विल कंप्लीट, ही विल कंप्लीट द रेस. द वेदर विल सर्टेनली गेट बेटर. शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमें एफर्मेशन पता चल रहा है कि श्योरली ही विल कंप्लीट द रेस. नेक्स्ट में भी हमें पता चल रहा है, एफर्मेशन हो रहा है. द वेदर विल सर्टेनली गेट बेटर, अच्छा हो सकता है, हो जाएगा. शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल. और यहाँ पे हम नेगेशन कर रहे हैं कि शी डिडंट कम आफ्टर ऑल. तो इस तरह से हम यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं. इसको हम जो है एक बार और रिवाइज करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, सो दैट आपको जो है लर्न हो जाए. तो पहला हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी. तो एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी कौन से वर्ड्स बताते हैं? एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो हाउ और इन व्हाट मैनर एन इवेंट टेक्स प्लेस. दे फॉट ब्रेवली, तो फॉट ब्रेवली. डैमेज्ड हर कार, बैडली. तो डैमेज्ड कैसे करी? बैडली. स्लीप, कैसे सोता है? साउंडली. इज रिटन, आर्टिकल को कैसे लिखा है, लिखते हैं? ब्यूटिफुली,
राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो यहाँ पे ब्रेवली, बैडली, साउंडली, ब्यूटिफुली, क्विकली, सारे ये क्या साउंड कर रहे हैं, सारे वर्ड्स हमें मैनर और क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको वर्ड से ही पता चल जाते हैं, एनी वेयर, समवेयर, नो वेयर, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इनवर्ड, राइट, बिलो, अबव, डाउन, नियर, फार, ऑल दीज वर्ड्स हमें क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस. गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. अब भगवान कहाँ प्रेजेंट है? सब जगह है, एवरीवेयर. तो इज योर वर्ब, और वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एवरीवेयर. और एवरीवेयर से हमें क्या पता चल रहा है? द एक्शन कहाँ पे हो रहा है, वेयर एन एक्शन टुक प्लेस. तो ऑल दीज वर्ड्स, एवरीवेयर, फॉरवर्ड, नियर, फार, ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब ऑफ प्लेस. Is, come, landed, sitting, ये क्या है हमारे वर्ब. तो वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब. सिमिलरली एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टुमारो, लेट, यस्टरडे, नाउ, टुडे, अर्ली, सारे ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं हमें, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो बच्चों आज हमने पढ़ा है एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स क्या होते हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ये एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब. क्लियर? अगर किसी भी सेंटेंस में दो एडवर्ब होते हैं तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे, और कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन आस्क और क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.